हे ऊपर वाले, मैं कितना अभागा हूं। आज इस गरीब के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। आज तक मैं अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं रख पाया, तो मैं कैसे अपने पुत्र का अच्छा पालन पोषण करूंगा। मेरी सहायता करो ऊपर वाले, मेरी सहायता करो। ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रौनक में रहने वाला बिंदा एक गरीब आदमी था। उसे जो भी काम मिलता वो करता और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी कौशल्या का पेट पालता। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चंदा रखा। सुनो जी, पहले हम दो थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तो हम तीन हो गए हैं, इसीलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने कौशल्या? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से खेत खलिहान में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। कौशल्या की बात सुन बिंदा दुखी हो उठा। कौशल्या, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। हाँ कौशल्या, कह तो तुम ठीक ही रही हो। कौशल्या, सब पूर्व जन्मों की पापों का फल है। 12 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के भी दिन फिरते हैं, फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर ही रह गई है। बिंदा, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? देवी सरस्वती, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कैसे चंदा को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी हो बिंदा, चाहे तुम्हें अपना तन पेट काटना पड़े, पर चंदा को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो सकेगी। तत्काल ही बिंदा की आंखें खुल गई और वो सोचने लगा, ये मैंने कैसा सपना देखा। सुबह जब उसने कौशल्या से रात को देखी हुई सपने की चर्चा की तो कौशल्या कहने लगी, सुनो जी, तुम चंदा को लेकर आज ही विशाखा नगरी चले जाओ। विशाखा नगरी? पर वहां क्यों? विशाखा नगरी में चैतन्य नाम का विद्वान रहते हैं, शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। तुम चंदा को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ही ले जाओ। लेकिन कौशल्या, इस काम के लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, कहां से आएगा वो धन? इसके लिए तो आप सुखी लाला के पास चले जाओ। क्या, सुखी लाला के पास? हाँ, ले देकर गांव में वही तो एक महाजन है, चंदा की शिक्षा है तो उनसे कर्ज ले लो। कौशल्या, सुखी लाला अत्याचारी महाजन है, वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं और समय पर उधार न चुकाने पर वे बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके बिना और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात सरस्वती माँ ने चंदा को शिक्षा दिलवाने को कहा है, तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? सुखीलाल बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को भी ऋण नहीं देते हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है जी। तुम अपनी झोपड़ी को उनके पास गिरवी रख आना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने का यही तो एक आसरा है।
भगवान ना करे ये भी छिन गया तो क्या होगा? सुख सुख सोचो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। तब उसी दिन बिंदा सुखी लाला के यहां पहुंचा और कहने लगा, राम राम सुखीलाल जी। कहो बिंदा, कैसे आना हुआ? दरअसल लाला जी, एक अर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। हाँ हाँ, कहो बिंदा, क्या अर्ज है तुम्हारी? ओ लाला जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए था। कर्ज किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला, इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। ओ, तो तुम कर्ज लोगे किस पर? अरे मतलब गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या है? लाला, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर बस एक झोपड़ी ही है मेरे पास, बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। लाला मन ही मन सोचने लगा, हाँ सौदा बुरा नहीं रहेगा, बिंदा ऋण तो अदा कर पाएगा नहीं, फिर उसके झोपड़े पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है बिंदा, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुखी लाला ने एक कागज पर बिंदा का अंगूठा लगवा लिया और कहने लगा, पूरे 10 वर्ष की मोहलत देता हूँ मैं तुझे,